माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। वापस से आ गई हूँ, वर्म ब्रांड हॉल होने वाला है, पॉकेट फ्रेंडली है, साथ में काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे मैं ब्रांडेड आउटफिट लेकर के आई हूँ। सो आज मैं ब्रांड ओरला से लेकर के आई हूँ कुछ आउटफिट का। आप सबको पता है कि काफ़ी ट्रस्टेड और नोन ब्रांड है। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना हॉल। फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि मेरी हाइट 5.5 एंड मोस्टली सारे ही ब्रांड में मैं एल साइज़ के कपड़े पहनती हूँ। सो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आए हो, प्लीज़ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक लाइक या एक कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट कर देता है, जिससे मैं फ्यूचर में और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोस लेकर के आती रहूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आउटफिट के साथ। फर्स्ट आउटफिट बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का आउटफिट मिलने वाला है, बहुत ही सुंदर सा ग्रीन है ये। इसके साथ आपको वर्क मिल रहा है, नेक पे अच्छा खासा थ्रेड वर्क मिल जाएगा। सो सबसे पहले मैं बताऊँ कि इसका फैब्रिक कॉटन है, जो कि काफ़ी बढ़िया कॉटन है, बहुत ही सही कॉटन है यार। मतलब फील कर पाते हो आप जब किसी ब्रांडेड कपड़े का मतलब हम जब किसी ब्रांड के आउटफिट का पहनते हैं तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस ही कुछ और होता है, क्योंकि इसकी फैब्रिक बहुत ही अच्छा होता है, कंफर्ट सबसे अच्छा होता है। सो सेम इस आउटफिट के साथ भी इसका कलर ही बहुत सुंदर है, देन इसका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक लाइन की। सो फर्स्ट उसका नेक, आपको राउंड नेक का ये आउटफिट मिलने वाला है। नेक पे आपको इस तरीके का वर्क मिल जाएगा, जिसपे आपको गोल्ड थ्रेड मिल रहा है, साथ में पीच पिंक कलर के थ्रेड के साथ यहाँ पे आपको उसकी एम्ब्रॉयडरी मिल रही है। एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छा किया गया है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा करके छोड़ दिया गया है, अच्छा खासा आपको यहाँ तक आपकी इसकी एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली है। डेली के लिए वैसे भी ऐसे आउटफिट ही अच्छे होते जिसपे थोड़ा कम वर्क हो या प्रिंट हो या फैब्रिक उसका बहुत अच्छा हो। सो ये बहुत ही अच्छा है, आप अगर ऑफिस गोइंग हो फिर तो ये बहुत ही अच्छा है। देन इसके स्लीव्स की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3-4 स्लीव्स मिल रहा है। अगेन स्लीव्स पे उन्होंने एक गोल्डन कलर के फैब्रिक से उसकी हाईलाइटिंग की है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी लगती है ना छोटी छोटी चीज़ें। स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है, तो साइड से स्लिट मिल जाएगी और यहाँ पे ब्रांड की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैग बिल्कुल प्लेन सा है जैसा होता है। इस कुर्ते की जो लंबाई है वो मिडिल है, मतलब ना बहुत शॉर्ट है ना बहुत लॉन्ग है, मिडिल लेंथ वाली ये आपको कुर्ता मिलने वाला है। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं, ब्रांड ओरला से ही है, वन ब्रांड हॉल होने वाला है जैसा बता चुकी हूँ। सो ये पीच कलर का आपको आउटफिट मिलने वाला है, कलर बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये थोड़ा शॉर्ट कुर्ती स्टाइल है। आप इसे शॉर्ट डेनिम के साथ वेयर कर सकते हो या फिर आप इसे स्कर्ट के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत ही तरीके से आप इसे वेयर कर सकते हो। ये बहुत लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट कुर्ती है। देन इसके फैब्रिक की अगर हम बात करते हैं तो फैब्रिक इसका लीवा कॉटन फैब्रिक है, टैग इसके साथ आया हुआ है। सो ये आपको फैब्रिक की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक इसका साइज़ मुझे बड़ा आ गया है, एक्सल आ गया है, पता नहीं कैसे, बट कोई बात नहीं। देन बात कर लेते हैं उसके नेकलाइन की, तो आपको ये इस तरीके का पैक नेक मिलने वाला है, साथ में यहाँ पे आपको थ्रेड वर्क मिल जाएगा। ये कंप्लीट थ्रेड वर्क है, जो कि मशीन वर्क आप इसे बोल सकते हो, इस पर इस तरीके का आपको वर्क मिल रहा है। देन साइड में भी आपको यहाँ पे प्रिंट मिल रहा है, दोनों ही साइड पे कुर्ते के आपको प्रिंट्स मिल जाएंगे और नेक पे आपको वर्क मिल रहा है। स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है, तो आपको एक स्लिट मिल रही है, स्लिट बहुत लंबी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ जो ये कुर्ता है शॉर्ट कुर्ता है, शॉर्ट पैटर्न वाला कुर्ता है। सो इसलिए इसकी स्लिट भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। स्लीव्स की अगर हम बात कर ले तो 3-4 स्लीव्स मिल रहा है, जिसपे आपको एक ब्लैक फैब्रिक के साथ उसकी हाईलाइटिंग मिल जाएगी कुछ इस तरीके की। बहुत ही बेसिक से कुर्ते हैं, बट इस तरीके के कुर्ते ट्रस्ट मी फ्रेंड्स ज़्यादा यूज़ में आते हैं। बैग की अगर हम बात कर ले तो बैग बिल्कुल प्लेन सा है, बिल्कुल सोवर रखा है उन्होंने बैग को। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट आउटफिट भी ब्रांड ओरला से, कलर बहुत ही अमेजिंग है, गोल्ड कलर बोल लो या इसे येलो कलर बोल लो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके का आपको ये कुर्ता मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम इसके फैब्रिक की बात करें तो प्योर कॉटन है, बढ़िया सा उन्होंने कॉटन रखा है। देन उसके नेक लाइन की अगर हम बात करते हैं तो आपको नेक पे भी अच्छा खासा वर्क मिल जाएगा, यहाँ पे वाइट और पीच कलर के धागों के साथ इस पे वर्क किया गया है, थ्रेड वर्क है, अगेन बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। देखो कितना प्यारा यहाँ तक आपको इस पे वर्क मिल रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा इस पे काम मिल रहा है, काफ़ी नीचे तक आपको काम मिल जाएगा। देन फ्रंट पे आपको इस तरीके से बटन्स भी मिल रहे हैं, ओनली फॉर शो पर्पज़ के लिए बटन्स का इस्तेमाल किया गया
गया है, फंक्शनल नहीं है क्योंकि इसका नेक काफ़ी अच्छा है। और अगेन मुझे ये एक बड़े साइज़ में रिसीव हुआ, आई डोंट नो क्यों, बट या ये भी एक्सल साइज़ में रिसीव हुआ है मुझे, जो कि काफ़ी ढीला मुझे आ रहा था। देन बात कर लेते हैं उसके स्लीव्स की, तो इसका स्लीव्स यार बहुत ही डिफरेंट है, आपको दिख रहा है प्लेन्स आपको स्लीव्स मिल जाएगा, बट यहाँ पे एक इस तरीके से फैब्रिक है जिससे आप इस तरीके से खींच के थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, इस तरीके का पैटर्न बना सकते हो। सो स्लीव्स बहुत ही फैंसी है, बहुत ही डिफरेंट भी है, अच्छा है थोड़ा सा। बैक की अगर हम बात करते हैं तो बैक बिल्कुल प्लेन सा है, बिल्कुल सोवर रखा है, स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है, तो आपको एक स्लिट भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। कलर ही यार बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, अमेजिंग कलर है। आप इसके साथ किसी भी कलर के कॉन्ट्रास्ट को यूज़ कर सकते हैं, रेड हो गया, ब्लैक के साथ आप इसे वेयर करो, बहुत ही सुंदर जाएगा। ऑफिस गोइंग हो तो इस तरीके के कपड़े ही अच्छे लगते हैं, या आप घर के लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो भी ये बहुत ही अच्छा आउटफिट होने वाला है। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते, कलर बहुत ही सुंदर है यार, ग्रे कलर है, बहुत ही प्यारा सा ये कलर है, आपको दिख रहा है। और ग्रे कलर एक ऐसा कलर है ना जो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, हम इस तरीके के कलर्स हमेशा ही पहनते हैं, बट इस तरीके के कलर हम रेयर पहनते हैं, बट ट्रस्ट मी ये ग्रे कलर जो ऐसा है ना जो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही मॉडर्न लुक दे देता है आपके वार्डरोब में, या आपको भी अगर आप इस तरीके के कलर्स को इस्तेमाल करते हो तो। फर्स्ट बता दूँ ये फैब्रिक कॉटन है, अच्छा सा कॉटन का उन्होंने इस्तेमाल किया है। देन अगर हम नेक लाइन की बात करें तो राउंड नेक का कुर्ता है जिसके साथ ब्लू कॉन्ट्रास्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया है। नेक पे इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा, ये प्रिंट है, सिल्वर प्रिंट किया गया है कुर्ते पे, अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। नीचे आते हुए आपको इस तरीके के छोटे छोटे ब्लू कलर के ना प्रिंट्स किए गए हैं, बूटे बनाए हैं, जो कि आपको विजिबल ना हो शायद, बट मुझे दिख पा रहा है और कैमरा शायद प्रॉपर आपको नहीं दिखा पा रहा हो। स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है तो साइड से एक स्लिट मिल रही है और ब्रांड की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है। कुर्ते की जो लंबाई है वो मिडिल लेंथ वाली है, ना बहुत छोटी है ना बहुत लंबी है, सो ओके ओके आपको इसकी लंबाई मिल जाएगी। देन स्लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो 3-4 स्लीव्स मिल जाएगा, यहाँ पे स्लीव्स पे उन्होंने वन लाइन जो है वो सीक्वेंस का इस्तेमाल किया, साथ में ब्लू फैब्रिक के साथ इसकी हाईलाइटिंग भी की, अगेन बहुत ही अच्छी बात है। बैक की अगर हम बात करते हैं तो बैक पे आपको ब्लू प्रिंट्स मिल रहा है, जो कि कुर्ते के फ्रंट पे भी आपको मिलने वाला है, सेम वही प्रिंट आपको ऑल ओवर कुर्ते पे बैक पे भी मिल रहा है। फैब्रिक काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है, सो यह आउटफिट भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो बस यही था आज का मेरा हॉल, आई होप कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हो, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।